एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेट टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आप सब देख सकते हो मेरे साथ आज मेरी बहन भी है, मेरे साथ वीडियो शूट कर रही है। सो हाय कर दो बेबी सबको। तो आज मैं आप सभी की जो क्वेश्चंस की सेशन थी, मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बोली थी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगी, तो वो सब क्वेश्चन की आंसर मैं आज करूंगी। एंड उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी का नाम भी लूंगी ताकि आप लोगों को जो है आपके क्वेश्चन की समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने कौन से क्वेश्चन की थी वो सब बोल के मैं आंसर्स करूंगी पेट्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, और एक चीज, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो एंड आप एक पेट्स लवर हो तो जरूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन जो आई थी वो है बिंदास रॉकी से, उन्होंने मुझे क्वेश्चन की है इंडिया में क्या ऐसे केजेस मिलते हैं पोर्शन वाले या फिर नहीं मिलते हैं। सो हाँ, मैं बता देना चाहती हूँ इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे मिलते हैं पोर्शन वाले केजेस, कुछ कुछ जगह पे जो है मिलना पॉसिबल नहीं होता है, तो आपको ऑर्डर दे के बनवाना पड़ता है। और मैं कोलकाता से हूँ तो कोलकाता में गलीफ स्ट्रीट में भी इस तरीके का जो है केज अवेलेबल हो जाती है। मैंने भी जो पोर्शन वाली केजेस ली थी सब कोलकाता में गलीफ स्ट्रीट जो पेट्स मार्केट है उधर से। तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई है वो है जोया प्रिंसेस से, उन्होंने कहा है मुझे सीस मेरे बछड़े ब्रीड नहीं कर रहे हैं, ब्रीडिंग फार्मूला कौन से यूज़ करवाए प्लीज़ बताइए। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले आप तो उसको चेक कीजिए वो एडल्ट है या फिर यंग। अगर यंग होंगे तो उसको और भी 2-3 महीने लग जाएंगे, और अगर एडल्ट हो चुकी है लेकिन फिर भी ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको कोई भी फार्मूला बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ, आप उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इंसान की ज़्यादा जो है आना जाना ना रहे, बजीज को कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको अकेले रहने दीजिए और उनको जो है मेडिसिन वगैरह मत दीजिए ब्रीडिंग के लिए। उनको नेचुरली जो घर की फूड्स होती है, सीड्स वगैरह, एग फूड, बेसिल की जो लीव्स होती है वो ज़रूर यूज़ कीजिए एंड मिक्स सीड्स कम यूज़ कीजिए क्योंकि विंटर के सीज़न चली जा रही है, समर के सीज़न आ रही है, तो मिक्स सीड्स देने से मोशन भी लग सकती है। इन कुछ तो आप इन सारी चीज़ों को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, आपके जो बजीज है ज़रूर ब्रीड करेंगे। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आई है वो है मोहताब खान जी की, उन्होंने मुझसे पूछी है लव बजीज बेबी के लिए बेस्ट फूड कौन सी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आपके पास लव बर्ड्स की बेबी हो, कॉकटेल की बेबीज हो, बजीज की बेबी हो, तो आप उनको मैं जो फूड बताती हूँ वो ज़रूर ट्राई कीजिए, वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, कॉर्न जो होती है, बेबी कॉर्न नहीं, उससे थोड़ी बड़ी साइज़ की जो कॉर्न होती है लेकिन कच्चा होना चाहिए ताकि आपकी बजीज जो है खा सके, उस तरीके का कॉर्न आप यूज़ करवा सकते हो अपने बेबी बजीज को या फिर कोई भी बर्ड्स के बेबीज़ को। उसके साथ साथ आप जो है काले चने रात में भिगो के सुबह के टाइम उसको दे सकते हो, एग फूड आप यूज़ करवा सकते हो ब्रेड यूज़ करके, ब्रेड एंड एग फूड को एक साथ मिक्स करके वो आप अपने बेबी जो बर्ड्स हैं उनको खिला सकते हो। एंड उसके साथ साथ वेट जो होती है गम, उनको भी आप यूज़ करवा सकते हो रात में भिगो के, उसको सुबह के टाइम में जो है आप उसको दे सकते हो, बेबी बजीज के लिए बहुत ही हेल्दी फूड होती है, तो ये आप यूज़ करवा सकते हो अपने बजीज के लिए या फिर कोई भी लव बर्ड कॉकटेल की बेबी। मुझे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आई है वो है श्रेया दास की तरफ से, उन्होंने मुझसे कहा है हाय, रैबिट को साग सब्जी फ्रूट्स के अलावा ड्राई फ्रूट्स यानी कि गेहूँ भुट्टा एक्सेट्रा दे सकते हैं, अगर दे सकते हैं तो क्या क्या देना चाहिए प्लीज़ बताइए, थैंक यू। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ मैं उस तरीके से ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ करवाती हूँ, मैं ट्रीट यूज़ करवाती हूँ, ट्रीट्स जो होती है बहुत सारी चीज़ों से मिक्स करके वो आपको रेडी करके अपने रैबिट्स को देना पड़ता है, वो रैबिट्स जो है बहुत ही पसंद करते हैं, वो ऑनलाइन में भी अवेलेबल होती है, आप चाहे तो परचेस भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर परचेस नहीं कर सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उस वीडियो को भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके साथ साथ अमेजन पर जो है पैलेट नम की रैबिट्स की फूड होती है वो यूज़ करवा सकते हो आप, एंड अगर कॉर्न देना चाहते हो तो कच्चे टाइप के कॉर्न्स मिलते हैं जो भुट्टे होते हैं, बेबी कॉर्न नहीं, उससे थोड़ी सी बड़े साइज़ की जो कॉर्न होती है लेकिन सॉफ्ट होती है वो अपने रैबिट्स को यूज़ करवा सकते हो, चना यूज़ करवा सकते हो, काले चने जो होती है वो आप रात में भिगो के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने के बाद अपने रैबिट्स को दे सकते हो, तो ये सब आप यूज़ करवा सकते हो अपने रैबिट्स।
तो मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आई है वो है कैलाश रॉय प्रोफेशनल की तरफ से। उन्होंने मुझसे कहा है, मैडम ये बताएं कि रोटी बजरी कॉकटेल लव बर्ड को कैसे देते हैं या नहीं, फ्रॉम बिहार। तो आई थिंक उन्होंने मुझसे पूछना चाहा है रोटी हम बर्ड्स को दे सकते हैं या फिर नहीं, और देंगे तो किस तरीके से देना चाहिए, प्रोसेस क्या है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, यस आप रोटी उनको दे सकते हो, बजीज को, लव बर्ड्स को, फिंचेस को, कॉकटेल को, जावा को, हर किस्म की बर्ड्स जो है रोटी खाना पसंद करती है, लेकिन वो गेहूँ की रोटी होनी चाहिए। ये हमेशा याद रखिए, रोटी जो है गेहूँ की होनी चाहिए एंड उसके साथ भीगी हुई रोटी आप यूज़ करवाइए। रोटी को पहले अच्छी तरीके से भिगो दीजिए पानी के अंदर और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने के बाद आप यूज़ करवा सकते हैं।